बीकानेर के खाजूवाला में बवंडर का कहर देखने को मिला। देर रात्रि में आए तूफान से टिन शेड और उनके पेड़ धराशायी हो गए। खेतों में सरसों, चना और गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों में तैयार फसल खराब होने से किसान मायूस हैं। तेज तूफान के साथ क्षेत्र में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई। आज भी तेज आंधी और बारिश की मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। किसानों में मायूसी छाई हुई है क्योंकि फसलों को नुकसान हुआ है। आज भी आंधी और बारिश की मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। बीकानेर के खाजूवाला में बवंडर का एक कहर देखने को मिला। टिन शेड और पेड़ यहां धराशायी हो गए। खेतों में सरसों, चना और गेहूं की फसल को खासा नुकसान हुआ है। इसी को लेकर किसान भी मायूस हैं, परेशान हैं क्योंकि तैयार फसल थी और वो फसल खराब हो गई। पूरी मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिरा है। तो ऐसे में तेज तूफान के साथ क्षेत्र में हल्की बारिश और ओलावृष्टि हुई। बवंडर आया और आज भी आंधी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुरेंद्र डेलू फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है, कितना नुकसान किसानों को हुआ है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, देर रात्रि में आए तूफान के चलते खेतों में खड़ी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। रबी फसल के में इस समय की फसल की कटाई का समय था। तेज तूफान और बारिश के चलते एक बहुत बड़ा बवंडर तूफान का आया था रात्रि 12 बजे। तेज तूफान के चलते खेतों में सरसों में चने की फसल को नुकसान हुआ है। तो वहीं ज्यादातर विद्युत विभाग के विद्युत पोल भी टूटे हैं, ट्रांसफार्मर भी टूटे हैं, सड़कों पर जगह जगह पेड़ टूटे हैं, नहर किनारे ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में पेड़ टूटे हैं। वन विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना होने के बावजूद भी अभी तक इन पेड़ों को नहीं हटाया जा रहा है। सड़कें लगभग जाम हो चुकी है। बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि खेतों के अंदर एक तबाही का मंजर इस समय आप देख सकते हैं। ज्यादातर सरसों में चने की फसल को इकट्ठा करने का इस समय चल रहा था। फसलों की कटाई का कार्य किसान खेतों में कर रहे थे। तेज तूफान के चलते खेतों के अंदर फसलें उड़ गई है। रात्रि में टेन शेड भी कई जगह उड़े हैं। हालांकि कहीं अभी तक नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो तूफान से यहाँ टिन शेड और पेड़ धराशायी हुए हैं। खेतों में सरसों, चना और गेहूं की फसल को भी नुकसान हुआ है। किसान परेशान है। आज भी आंधी और बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है।